हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे गार्डन में गुलदावरी आने वाली है। देखिए कितने सारे बर्ड्स आए हैं आज मैं अपने टेरेस गार्डन का। अभी मेरे खुले के एक छोटा सा व्यू दे रही हूँ, अभी मेरी गुलदावरी खिली नहीं है, लेकिन देखिए कितने कितने बर्ड्स आए हैं। गेंदा देखा कितने अच्छा लग रहा है, अभी गेंदा है और ये सारा मेरा गुलदावरी है। और ये देखिए कितने छोटे में, इसे दो फूल दे, कितने सुंदर लग रहे हैं, सिर्फ फूल ही फूल दिख रहे हैं, वो भी छोटे से हैं। इसके नीचे भी छोटा सा ही प्लांट था ये। ये भी सारे बर्ड्स आ गए हैं एक जोरा में, देखिए ये थोड़ा पतझड़ का भी टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा चंपा वंपा के पत्ते बहुत गिर रहे हैं, और रोज झाड़ू लगाने के बाद ही छत गंदी ही रोज रह जाती है सिर्फ पत्तों की वजह से। ये सारे मेरे भी गुलदावरी में निचे हो गए। देखिए मेरा ये है मेरा गेंदे का, गेंदे के मेरे पर छोटे प्लांट अभी और लगे हैं, उसको ट्रांसप्लांट करने हैं। ये पहले के लगे हुए प्लांट है, मैंने जितने भी प्लांट लगाए हैं अपने सीड से लगाए हैं, जो मेरे पास थे जो सूख जाते थे उसको रखे थे मैंने, उन्हीं से लगाए हैं। ये देखिए सुखा के लगाए हैं। बाकी देखिए इसमें भी कितने सारे बर्ड्स आए हैं, देखिए आई थिंक ये पिंक कलर का है, दिखने लग गया है। ये देखिए ये है मेरी वाइट कलर की है, सारी मेरी खिल गई है। देखिए ये तो सारी वाइट है, एक वाइट वो पड़ी है, इसमें दिख गए हैं फूल और फूल खिल भी गए हैं, तो ये सारी टोटल वाइट है। इसमें छोटा ही पौधा है और इसमें इतना सारा फूल से भरा हुआ, देखिए एक एक फूल बाकी में आ ही रहे हैं। बाकी देखिए ये गुलदावरी है, इनमें भी मेरे आने लग गए हैं बर्ड्स, बहुत सारे आ गए हैं। ये येलो है, दिखने लग गया है, देखिए कितने सारे आए हैं। मैंने इसमें सिर्फ अपनी इसमें कुछ नहीं डाला है, मेरा गोबर खाद और मिट्टी, थोड़ा सा कोकोपीट है, वो डाल के मैंने इनकी मिट्टी तैयार की थी। और अभी जब ये का थोड़ा ग्रोथ हो गया था तो मैंने इसमें जो मैं लिक्विड खाद तैयार की है उसको थोड़ा थोड़ा डाला है। अभी 15 दिन नहीं हुए हैं इसको डाले हुए, देखिए इसमें कितने सारे बर्ड्स आए, ये पूरा खिल जाएगा आजकल में। ये वाले जो खिलने शुरू हो गए ये खिल जाएंगे। साल्विया के भी देखिए कितने फूल आ रहे हैं, देखिए हर कलर का है इसमें, देखिए सुंदर लग रहा है। ये पिंक है, इसमें अभी आए नहीं है, आने शुरू हो जाएंगे, आ रहे हैं। देखिए ये तो मैं छोटे छोटे से 10-10 रुपए के पाउच मिलते हैं वही लाई थी, वो इतने बड़े हुए हैं, उन्हीं को मैंने लगाया था, अब इतने बड़े हो गए, काफ़ी छोटे थे ये, बहुत पहले ले आई थी 10-10 रुपए के। ये देखिए और ये है मेरे डैंथस, इसको भी मैं 10-10 रुपए के छोटे छोटे से लाई थी, जैसे पटूनिया के लाई हूँ वैसे लाई हूँ, पहले आए थे तो मैं ले आई थी। ये भी देखिए मेरी गुलदावरी है, इसमें भी खिलने लग गए हैं। ये आई थिंक ख़राब हो गई है, देखिए इसमें कुछ वाइट वाइट सा आ गया, ये लगेगी नहीं, इसको उखाड़ना ही पड़ेगा, इसमें कुछ मिली बग्स टाइप का भी लग रहा है, गुलदावरी में मिली बग्स भी आ ही जाता है। ये मेरा गेंदा है, बाकी देखिए डैंसर्स में भी फूल आने लगते हैं। ये तो मैंने अभी भी ट्रांसप्लांट किए थे, छोटे छोटे से थे, बहुत छोटे से थे, जो मैंने बीज से अपने सीड से तैयार किए थे अपने गार्डन में, और ये सारे के सारे थोड़े से बड़े हो गए हैं। ये भी गुलदावरी है, बाकी ये तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं लाई थी, थोड़े बड़े लाई थी, अभी इसमें फूल आने की तैयारी हो गई है, किसी किसी में आए भी हैं। अब आएंगे फूल, इसमें अभी आए नहीं है, इसमें आए हैं। देखिए कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, इसमें भी देखिए अच्छे फूल आ गए हैं। बस फ्रेंड्स यही है मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू अपने गार्डन का, आज मैंने गुलदावरी का ही दिया है, क्योंकि गुलदावरी मेरी अभी जब सब खिल जाएगी कितनी सुंदर लगेंगी।
हिबिकस में भी आने लग गए हैं, इतने सारे सारे बर्ड्स आए हैं। ये तो मेरा डबल चांदनी है, इतना बड़ा हो गया। इसमें मैंने डाला था अपना लिक्विड खाद डाला था। इसमें तो वाइट वाले हिबिकस में तो बहुत बर्ड्स आए हैं, अभी खिलने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन बर्ड्स इतने सारे आए हैं। आजकल थोड़ा सा पतझड़ का भी टाइम है तो पत्ते बहुत झड़ रहे हैं पीले पीले होकर। देखिए पूरी छत में ही फैल जाते हैं, रोज इनके करो पत्ते एक साइड करो फिर वही हाल हो जाता है। यही है फ्रेंड्स मेरा छोटा सा। ये आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।